हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे समास के बारे में। समास क्या होते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, नए शब्द बनाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है उनमें समास प्रमुख हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षेपीकरण, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो शब्द को इस तरह संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षेप मीन्स छोटा, इसको हम साधारण शब्दों में कहेंगे छोटा यानी संक्षेप, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे हवन के लिए सामग्री, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, हवन के लिए सामग्री। अब हम इसे संक्षेप करेंगे यानी छोटा करेंगे तो हम बोलेंगे हवन सामग्री। ऐसे ही कमल के समान नयन, जिसके अर्थात श्री राम, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात श्री राम। तो कमल के समान नयन, इसको हम छोटा करेंगे कमल नयन। नियम के अनुसार, इसको हम संक्षेप में बोलेंगे नियमानुसार यानी नियमानुसार। गायों के लिए शाला, जिसका बनेगा गौशाला। डाक के लिए खाना यानी घर, तो इसको हम संक्षेप में बोलेंगे डाक खाना।